दुनिया के सबसे खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया की जब बात आती है तो यहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन का नाम सबसे पहले जहन में आता है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है, एक ऐसी दुनिया जहाँ के बादशाह सिर्फ यही हैं, यही यहाँ पर नियमों को बनाते हैं और यही उन्हें तोड़ते भी हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के कुछ ऐसे ही डिसीजंस के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। किम जोंग के खिलाफ अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया में आवाज उठाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका टाइम इस धरती पर खत्म होने वाला है, यानी कि उसकी इस गुस्ताखी का खामियाजा उसे अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ता है, अब भले ही वो किम जोंग का अपना सगा भाई ही क्यों ना हो। किम जोंग नाम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग का भाई था। उसे नॉर्थ कोरिया की आर्मी पसंद नहीं थी और इसीलिए उनके खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाया करता था। खतरे को देखते हुए किम जोंग ने अपने ही बड़े भाई को देश निकाल दिया, जिसके बाद किम जोंग नाम चाइना में जाकर अपने जिंदगी काटने लगा। लेकिन बाद में किम जोंग का भाई उनके देश के लिए खतरा साबित होने लगा। वो जाकर अमेरिकी एजेंसी CIA को नॉर्थ कोरिया की खुफिया जानकारी साझा करने लग गया। बाद में किम जोंग ने अपने ही बड़े भाई को जान से मारने का फैसला किया और एक प्लानिंग के तहत उसे मारने की साजिश रची। प्लानिंग ये थी कि जब उसका भाई कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मकाओ की तरफ जा रहा होगा तब बीच में ही उसे मार दिया जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए दो लड़कियों को हायर किया गया था, जिन्हें ये बताया गया कि उन्हें एक प्रैंक टीवी शो के लिए काम करना है और एयरपोर्ट पर आ रहे लोगों के साथ उन्हें प्रैंक करना है। अब तारीख आती है 13 फरवरी 2017, जब उन्हें इस प्रैंक को करने के लिए कहा जाता है। इस दिन किम जोंग का भाई एयरपोर्ट पर मौजूद होता है और तभी ये लड़कियां उसके पास जाकर उसके चेहरे पर एक केमिकल लगा देती हैं, जबकि उन्हें ये बताया गया था कि ये एक आम ऑयल है जिसे उन्हें उस शख्स के चेहरे पर लगाना है। वहाँ मौजूद CCTV कैमरे में कैद हुए ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। लड़कियां तो अपना काम करके वहाँ से चली गई। अब किम जोंग नाम इस बात की जानकारी वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी को देता है, जो उसे मेडिकल फैसिलिटी में लेकर जाती है। तभी वहाँ एक काले कपड़े में आदमी इस बात की पुष्टि करने के लिए आता है कि किम जोंग नाम के ऊपर उस केमिकल का असर दिखना शुरू हुआ या नहीं। तभी 10 मिनट के बाद उस केमिकल ने अपना असर दिखाया और किम जोंग नाम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। इस केमिकल का नाम था VX नर्वे एजेंट। ये केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर एक बूंद भी आपके शरीर में चली गई तो ये आपके नर्वस सिस्टम को फेल कर सकती है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इस केमिकल को चेहरे पर लगा दिया जाए तो आपकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह से किम जोंग ने अपने ही सगे भाई को बड़ी ही चालाकी से इस दुनिया से अलविदा करवा दिया था। नॉर्थ कोरिया के ऊपर किम जोंग की फैमिली का राज है और उनके इशारों पर ही यहाँ के हर कायदे कानून बनाए जाते हैं। कानून इतने सख्त हैं कि लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से कटती है। अगर कोई भी इंसान नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग के खिलाफ जाने की कोशिश भी करता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर किम जोंग ने अपने देश के लोगों को बाकी दुनिया से एकदम अलग करके रखा हुआ है। यहाँ पर ना आपको फेसबुक मिलेगा ना ट्विटर। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है यहाँ के लोगों को शायद ही पता हो। 60% पॉवर्टी रेट के साथ नॉर्थ कोरिया दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा ना के बराबर है और अगर किसी के पास पैसा है भी तो वो किम जोंग का खास माना जाता है। यहाँ की सड़कें काफी बड़ी हैं, लेकिन सड़कों पर आपको गाड़ियाँ नहीं दिखाई देगी क्योंकि लोगों के पास गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है। इतने कड़े नियमों के चलते नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर फिर भी किसी को यहाँ पर आना हो तो एयरपोर्ट पर आते ही उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। यहाँ तक कि लोगों के मोबाइल फोन्स तक को चेक किया जाता है और उसमें मौजूद हर एक फोटो को देखा जाता है। अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो नॉर्थ कोरिया जैसा देश आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई मूवी का कॉन्सेप्ट है ना ही कोई वेब सीरीज का। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स करना भी एक क्राइम माना जाता है। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने सीक्रेट फोन की मदद से एक इंटरनेशनल कॉल करने की कोशिश की थी और जब ये बात अथॉरिटी को मालूम पड़ी तब उन्होंने इस आदमी को भरी बाजार में ही जिंदा मार दिया। किम जोंग अगर किसी मीटिंग में है और उसके सामने कोई अफसर फोन पर बात कर रहा है या फिर सो रहा है तो ऐसे में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके
करके रखा हुआ है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाहरी दुनिया को जरा भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के टॉपिक्स पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।